कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी. लाइक यू कैन सी इट फील्स लाइक ओ माई गॉड, ज्यादा पॉपिंग वाला शेड है. लाइक लुक एट दिस. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my YouTube channel. And today I created this particular makeup look, which is sort of pink tone makeup. अगर आपको कोई भी pinky pinky outfit हो ना, तो ये पूरी makeup look बहुत beautifully जाने वाली है. मैंने expect नहीं किया था इतनी ज़्यादा pink pink type हो जाएगी, but मेरे पास जो products थे मैंने उसी से काम चलाया है. So I used all the products from the brand Elf. If you don't know, Elf is now launched on Nykaa. Elf is an international makeup brand, and अब ये Nykaa पर exclusively available है. और मैंने सारे products use किए हैं इस tutorial के अंदर, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो चुकी है. I gave an ऑनेस्ट रिव्यू बिकॉज राइट अवे मैंने आपके सामने यूज़ किया, तो मैंने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है कि क्या है मेरे ऊपर वर्क किया फिर नहीं किए. बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन सॉर्ट ऑफ स्किन, तो मैंने पूरा टेस्ट किया अच्छे से कि मेरे ऊपर कैसे टर्न आउट हुए हैं. साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी टिप्स भी देने की कोशिश करी है. बिकॉज आई अटेंडेड देयर वर्चुअल लॉन्च, तो उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया था इनके प्रोडक्ट्स के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. सो स्टार्टिंग विद द बेयर फेस, आई जस्ट हैव माई लिप बाम, एंड अराउंड 12 आवर्स पहले मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई थी जिसको मैंने नहीं हटाया. मैंने खाली एक्सेस ऑयल को टिश्यू से क्लीन कर लिया था. सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस. सो द बेस प्रोडक्ट दैट आई हैव फ्रॉम एल्फ इज द एल्फ Poreless Putty Primer, and this is like the best seller from the Elf range. ये काफ़ी hype हुआ था उस time because this is claimed to be a sasta dupe of a very high-end Tatcha primer, and it comes in this box packaging, and this one says with hydrating squalene, so it has good ingredients as well, and ये कुछ इस तरह की ऐसी packaging के अंदर आता है. Now sadly for acne prone skin, I personally don't like such packaging because then you have to dip your fingers and थोड़ा सा hygiene का issue रहता है, but this is how it looks like. It comes in this tub kind of packaging. Let me just sanitize my hands again because ain't nobody gonna take risk when you have acne prone skin. Now my hands are completely sanitized. I'll just dip in my... Oh, it's very buttery. Mujhe laga thoda sa like thoda sa thick thick hoga, but it's actually very creamy. Blend it and take it around my T-zone. So this is basically for poreless finish, and obviously jahan jahan pores honge hum isko wahin par hi फोकस करेंगे. ओवरऑल माई स्किन फील्स नाइस एंड हाइड्रेटेड. मैंने यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की ना स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करी थी बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे थे, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ना पैची पैची ड्राइनेस थी, एंड इसने उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, लाइक अच्छे से उसको मॉइस्चराइज कर दिया. सो इट्स लाइक मॉइस्चराइजर इन्फ्यूज प्राइमर. ये बिल्कुल भी सिलिकॉन ही नहीं है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सिलिकॉन वाला एकदम स्मूथ ब्लर आउट वाला इफेक्ट देगा, ये वैसा इफेक्ट नहीं दे रहा है. दिस इज मोर लाइक मॉइस्चराइजर एंड विद अ गुडनेस ऑफ प्राइमर लाइक फील. नाउ मूविंग ऑन टू बेस, आई डोंट हैव any base products from this PR box, but I have my own foundation, तो मैं यही use करने वाली हूँ. Number one is the Faces का Second Skin All Time Pro Foundation. ये जो ऐसे serum वाली bottle के अंदर आता है, this is how it looks like. ये हल्का सा light shade, and second is the Jacqueline USA Perfect Fix Foundation. This is the foundation. I just love this foundation. सर्दियों में मुझे यही काफ़ी अच्छा लगता है because ये crack नहीं होता मेरी skin के ऊपर, and ये हल्का सा ना shade थोड़ा सा मेरी skin के लिए dark है. Just mix both the foundation really well. Also, I attended their virtual launch because obviously because of the COVID situation, कोई भी तरह का offline launch तो हो नहीं रहा था. Lady from their team, Anna, explained everything about their product. Concealer के बारे में she said कि इनका जो concealer है ना वो बहुत ज़्यादा oxidized हो जाता है, so आप एक shade light ही लेना. इसे dab dab करके settle up करती हूँ, and then I use a sponge because मेरे पास जो majorly sponge है ना वो बहुत ज़्यादा product को absorb कर लेते हैं, so काफ़ी सारा product waste चला जाता है. But right now I have a new sponge from their collection, which is the Elf Camo Concealer Sponge. So इनका basically camo concealer ही आता है जिसके बारे में वो बात कर रही थी कि वो oxidize हो जाता है. So ये उसी के लिए एक particularly sponge बनाया हुआ है. Very very soft. Like look at this. अभी मैंने इसको डैम भी नहीं किया, अभी ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है. दिस हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर वेटिंग इट, एंड लुक एट दिस, सो सो सॉफ्ट. ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है, डबल से थोड़ा सा कम बोलूंगी, बट वेरी वेरी स्क्विशी सॉफ्ट. सो डेफिनेटली वर्थ बाइंग फ्रॉम देयर रेंज. जब लॉन्च हुआ था कल ये एल्फ नायका के ऊपर, तो उनका ऑफर चल रहा था बाय टू गेट वन समथिंग का. सो अगर ऐसा ऑफर दोबारा आता है नायका के ऊपर, या फिर अभी भी अगर ये चल रहा हो, डू ग्रैब इट बिकॉज दिस इज It feels like, oh my god, it is actually very very soft. My face is done. Really like the sponge. Definitely worth grabbing. And मैं बिल्कुल भी heavy coverage या full coverage नहीं कर रही हूँ आज. बहुत simple makeup look रखना है. So मैंने कोई भी highlighting concealer या फिर contouring नहीं करी है. Now moving on to eyebrows. I have two products right here from the brand Elf only. Obviously Elf के बारे में बात हो रही है. So number one is the Instant Lift Brow Pencil in the shade Deep Brown. This is how it looks like. यहाँ पर spoolie है and यहाँ पर वो pencil side होगा जिससे आप filling कर सकते हो. अगेन डीप ब्राउन शेड एंड माई आई
आईब्रोज आर लाइक जेड ब्लैक, तो ऐसे शेड की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है मेरे आईब्रो का कलर लाइटर हो गया है. एंड प्लस आई डोंट डू वेरी हैवी फिलिंग काइंड ऑफ थिंग, मैं खाली उनको ब्रश करके ना हल्का सा ऐसा ब्राउ मस्कारा यूज कर लेती हूँ. सो आज मैं यही यूज़ करने वाली हूँ. आई एम नॉट ओपनिंग इट बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन जस्टिफाई दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज द वाओ ब्राउ वॉल्यूमनाइजिंग फाइबर जेल. सो ये मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी आईब्रो फिलिंग एंड ऑल करना पसंद नहीं है, लाइक सुबह सुबह आप लेट हो रहे हो, आपने फटाफट इसको निकाला ऐसे यूज़ कर लिया एंड यू आर गुड टू गो. इससे आपकी आईब्रोज काइंड ऑफ कोम भी हो जाती हैं, क्लीन अप भी हो जाती हैं और अच्छी फिल्ड काइंड ऑफ लगती हैं बिकॉज मेरे जो है यहाँ पर स्पेस है लेकिन बाकी मेरी फुल आईब्रोज. अगेन द शेड इज ब्रूनेट विच इज डार्क ब्राउन एंड मेरे ऊपर वर्क नहीं करता बट मेरा माइंड जो है उससे काम चलाना है. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी कॉम्पैक्ट इसकी पैकेजिंग है, रियली लाइक दिस टाइनी पैकेजिंग. एंड वंस यू ओपन इट वी हैव दिस मस्कारा स्पूली काइंड ऑफ थिंग. एंड आई रियली लाइक इसकी जो स्पूली है ना वो काफ़ी छोटी, आगे से मैंने जो अभी निक्स का लिया ना उसकी स्पूली बड़ी है. एंड काफ़ी बार जब आप यहाँ एच पर आते हो ना वो बड़ी स्पूली बहुत मेसअप कर देती है. सो आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसका काफ़ी टीनी टाइनी सा स्पूली है विच इज़ ईजी टू यूज़. एंड लेट मी जस्ट यूज़ इट. मैं पहले एक्सेस वाला ना यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पर गैप्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं. ऑल दो ये जो ब्राउ मस्कारा होता है ना वो ऐसा गैप्स को इतना नीटली फिल नहीं करते जितने अच्छे से वो पेंसिल करती है, बट दीज आर मोर लाइक एक फिनिश्ड काइंड ऑफ लुक देने के लिए. आईब्रोज आर डन एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे नहीं पता कैमरे पर इतना डिफरेंस आपको पता चल रहा है फिर नहीं चल रहा. पहले मेरी थोड़ी सी जेड ब्लैक आईब्रोज थी, अभी मुझे हल्की सी पास से मिरर के अंदर ब्राउन ब्राउन दिख रही है. ऑब्वियसली द शेड इज नॉट समथिंग फॉर मी. अगर इसमें ब्लैक होगा तो वो शायद मुझे सूट कर जाएगा. अगर आपकी भी जेड ब्लैक आईब्रोज है ना तो आप वो ले सकते हो बिकॉज इससे हल्का हल्का ब्राउन इफेक्ट आ रहा है. बट आई रियली लाइक कि इससे मेरी आईब्रोज काफ़ी अच्छे से फिल अप हो गई हैं. जो यहाँ पर स्पेसिस थे ना वो अच्छे से इसने फिल कर दिए हैं. नीट लग रही है, भी हो चुकी है और रेड पिंपल कुछ ज्यादा पॉप हो रहा है. बट नेवर माइंड, ये कंसील करने में भी नहीं हट रहा बिकॉज ये अभी काफी गुस्से वाला रेड हुआ हुआ है. सो वील इग्नोर दिस पिंपल. नाउ मूविंग ऑन टू आई शेडो. आई हैव द बाइट साइज आई शेडो इन द शेड बेरी बैड एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक. आई थिंक ये बाइट साइज इसलिए है बिकॉज इसका साइज जो है वो लिटरली एक बाइट जितना है, जैसे हम एक पिज्जा की बाइट लेते हैं. माई फर्स्ट ट्रांजिशन आई टेक दिस पर्टिकुलर वन ऑन माई फुल आईलेट्स. ये एक तरह से सेट भी कर देगा मेरी आईलेट्स को बिकॉज ऑलमोस्ट क्लोज है मेरी आईलेट्स के, तो ये उसको थोड़ा थोड़ा सेट भी कर देगा बिकॉज मैंने अलग से आज लूज पाउडर यूज़ नहीं किया. नाउ मूविंग ऑन टू द डार्कर ट्रांजिशन शेड. दिस वन इज द डार्क शेड. सो इससे मैं थोड़ा सा बाहर की साइड अच्छा डीप ट्रांजिशन बनाने वाली हूँ. मैं हल्का हल्का बिल्डअप करती हूँ. अगर आप भी एकदम बिगिनर हो ना आई शेडो में, कभी भी एकदम इंटेंस आई शेडो पिक करके एकदम भर मत लेना अपनी आईलेट्स के ऊपर बिकॉज बिगिनर में क्या होता है हमें नहीं पता कि कितना लेना चाहिए या फिर कितनी अच्छी लुक आएगी. तो मैं हमेशा लाइट से स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई मूव ऑन टू स्लाइटली डार्कर शेड. उससे मुझे पता भी चल जाता है बिकॉज ये नया पैलेट है, मुझे नहीं पता है कितने अच्छे से इंटेंसली बिल्ड होगा मेरी आईज के ऊपर. सो अब मैंने हल्का हल्का लिया, मैंने बहुत माइल्ड एक ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करी है. अब मैं इसको और इंटेंसीफाई करूंगी बिकॉज नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द शेड. शेडो लगाना नहीं भी आता हो ना, लेकिन अगर आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से आती है, मतलब आप अच्छा खासा टाइम लगा के ब्लेंड कर सकते हो ना, यू आर गुड टू गो. लाइक आपको लिटरली एक प्रो बनने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बेसिक आई शेडोज कर सकते हो बिकॉज मैं भी अपना मेजर टाइम जो है ना वो ब्लेंडिंग के ऊपर ही लगाती हूँ. मूविंग ऑन टू शिमरी शेड. मैं पिंक टोन वाला शिमरी शेड लेने वाली हूँ. इसके अंदर दो शेड आते हैं बेसिकली. दिस वन इज मोर लाइक अ गोल्डन काइंड ऑफ शिमरी शेड. ये थोड़ा सा पिंक टोन है एंड ये मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पिंक टोन मेकअप करने वाली हूँ. सो आई पिक दिस पर्टिकुलर शेड विद अ फ्लैट शेडर ब्रश. आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बी वेरी फैंसी अबाउट ब्रशेज. प्लेस इट इन इनर कॉर्नर एंड सेंटर, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, अंदर से स्टार्ट करूँगी एंड ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा और बाहर तक लेके जाऊँगी, ज़्यादा बाहर नहीं जाना बिकॉज ये बहुत अच्छा है. मतलब ये तो हद से ज़्यादा पॉपिंग वाला शेड है. लाइक लुक एट दिस. मैंने हल्का सा टच किया था और इतना इंटेंस ही निकल के आया है. ये काफ़ी पॉपिंग वाला गोल्डन है. सो अगर आपको वेडिंग मेकअप लुक करनी हो ना तो डू पिकअप दिस पैलेट विच इज़ वेरी बैड बिकॉज इससे आप इजिली कोई भी वेडिंग मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. और इस शिमरी शेड को मैं बाहर की तरफ यूज़ करने वाली हूँ लाइक इस पोर्शन में बिकॉज ये फिर ना खाली खाली लगता है. डन विद दिस पैलेट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट. आई हैव द लिक्विड आई शेडो विच इज़ द एल्फ लिक्विड ग्लिटर आई शेडो इन द शेड डर्टी मार्टिनी. टाइनी टाइनी लिक्विड आई शेडो. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच कि कैसा लगता है मेरे ऊपर. आई रियली लाइक दिस साइजेस. मतलब इतने कॉम्पैक्ट और छोटे छोटे से है ना, तो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट है. एंड दिस इज हाउ डर्टी मार्टिनी लुक्स लाइक. इट इज़ मोर लाइक ब्रोंज गोल्डन काइंड ऑफ शेड. मतलब जो डार्क गोल्डन होता है ना वैसा वाला ये शेड है. सो मैं इसको खाली सेंटर में प्लेस करने वाली हूँ. ऑल दो मेरा मन था पिंक टोन मेकअप करने का, बट सिंस वी आर यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट तो इसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा. और मैं अननेसेसरी ना सारे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी.
मैं खाली इसको सेंटर में यूज करके ऐसे ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। इसका जो ग्लिटर है वो थोड़ा सा चंकी है, तो अगर ग्लिटर मेरे पास पिंक टोन में होता ना तो काफी प्यारा लगता, बिकॉज द होल मेकअप इज मोर लाइक पिंक टोन मेकअप। गोल्डन वाली ली थी ना, मैं उसको सेंटर में दोबारा लगाने वाली हूँ, बिकॉज इसका जो गोल्डन था उससे शेड थोड़ा सा मेरा रुइन हो रहा है आई शेडोज का, तो मैं यही गोल्डन शेड लेके इस ग्लिटर आई शेडो के ऊपर प्लेस कर दूंगी, ताकि दोबारा से अब इंटेंस हो गया ये। ऑनेस्टली मुझे लिक्विड आई शेडो से ज़्यादा अच्छी है पैलेट की आई शेडो लगी, दिस इज सुपर सुपर इंटेंस। जो ये गोल्डन शेड है ना, ये तो लिटरली पॉपिंग है यार, क्या मस्त शाइन मार रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आई लाइनर, बिकॉज मेरा कोई मेकअप लुक हो ही नहीं सकता बिना आई लाइनर के। आई हैव द प्रिसिशन लिक्विड आई लाइनर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन द पैकेजिंग। ये प्रॉपर एक ब्लैक आई लाइनर है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसकी जो टिप है वो फेल्ट टिप नहीं है, वो ब्रश टिप है, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट लाइक फेल्ट टिप, मुझे बड़ी अनोइंग लगती है वो। अगर मैं बोली लाइनर लगाते हुए तो मेरी आई शेडो लुक भी बर्बाद हो जाएगी, एंड ऑनेस्टली आई एम सुपर नर्वस, बिकॉज अगर ये लुक खराब हो गई तो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट डू इट साइलेंटली। अब आई ना जान मेरी आई शेडो के ऊपर। ऑनेस्टली आई डोंट नो लोग खाली आई शेडो लगा के कैसे चले जाते हैं, बिकॉज जब तक मैं लाइनर ही लगाती ना तब तक मेरा काम नहीं चलता। दिस हाउ द लाइनर लुक्स लाइक, क्लासिक विंग जो मैं हमेशा बनाती हूँ। मूविंग ऑन टू मस्कारा, आई हैव द लेंथ एंड वॉल्यूम ब्लैक वाटर प्रूफ मस्कारा, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सेंटर से हल्की सी थिक है और साइड से ये हल्की सी थिन होती है, दिस इज मेनली फॉर वॉल्यूमनाइजिंग। लेट्स सी कितना वॉल्यूम ये प्रोवाइड करता है। लाइक अ वेरी डिसेंट मस्कारा डेली यूज के लिए, जो खाली आपकी आई लैशेस को थोड़ा थोड़ा लेंथ दे दे। Also, I totally forgot to highlight my inner corner, which is obviously my favorite step, because मेरी hooded eyes हैं, मैं जब तक inner corner को highlight नहीं करती ना मेरा काम नहीं चलता, वो एक overall look निकल के नहीं आती है। And I always use my Vega का lip liner brush, जिसको मैंने lip liner की तरह कभी use नहीं किया, मैं हमेशा अपने inner corner को highlight करने के लिए use करती हूँ। And that's it, हल्का सा आपको difference पता चल रहा होगा। Flat shader, दूसरे वाला बिल्कुल flat था, ये इतना flat नहीं है। This one is the Vega eyeshadow brush, इससे मैं ये brown वाला color और लूँगी, and I'll just use it on my lower lash line, because मेरे पास काजल and all कुछ नहीं है, और मेरी जो lower lash line है वो काफ़ी अधूरी लग रही है। नाउ मूविंग ऑन टू ब्लश, आई हैव एल्फ मोनोक्रोमैटिक मल्टी स्टिक इन द शेड ल्यूमिनस बेरी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन द पैकेजिंग। एंड इसके अंदर आपको बड़ी क्यूट सी किडो सी एक ब्लश स्टिक मिलती है, इसको देख के मेरे को बिल्कुल जैसे किड्स काइंड ऑफ मेकअप होता है ना, बिल्कुल वैसी वाली फील आई है, बिकॉज इट लुक्स लाइक दिस। मतलब कितनी ट्रैवल फ्रेंडली और टाइनी सी है, अगेन वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एंड ट्रैवल फ्रेंडली। एंड मैंने कल इसका स्वॉच किया था रील्स के ऊपर, एंड व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माय हैंड्स इट फेल्ट रियली स्मूथ। मतलब इसका इनफैक्ट मुझे एकदम प्राइमर वाला फील लगा, ये बिल्कुल भी मुझे वैसे ही लगी। लाइक काफ़ी जो ब्लास्टिक्स होती हैं वो काफ़ी चिपचिपी एंड थिक थिक काइंड ऑफ लगती है, इसका मुझे जो फील है वो काफ़ी अच्छा प्राइमर लाइक लगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू अप्लाई दिस। ऑल्सो इसके अंदर काफ़ी हाईलाइटिंग पार्टिकल्स हैं, तो एक तरह से हाईलाइटर का भी ये काम कर देती है। सो दिस इज मोर लाइक ऑन द गो मेकअप लुक, अगर आपको करनी हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, या फिर आप ट्रैवल फ्रेंडली कुछ मेकअप ढूंढ रहे हो, सो दिस वन इज रियली ग्रेट, बिकॉज ये हल्का हल्का आपके चीक्स के ऊपर शीन भी क्रिएट करेगी। सो आपका हाईलाइटर और ब्लश दोनों का काम हो जाएगा। जस्ट सेटल द ब्लश विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर, एंड या लुक्स रियली नाइस। थोड़ा थोड़ा इसने पिंक टच ऐड कर दिया है मेरे चीक्स के ऊपर, ज़्यादा एक्सट्रीम मैंने लगाया नहीं, बिकॉज नाउ आई एल बी मूविंग ऑन टू द हाईलाइटर, बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। दिस इज द एल्फ मेटालिक फ्लेयर हाईलाइटर, दिस आउट इट लुक्स लाइक इन द पैकेजिंग। आई एम इन द शेड 24 कैरेट गोल्ड, दिस आउट इट लुक्स लाइक वेरी वेरी प्रिटी गोल्डन मेटालिक काइंड ऑफ कलर। एंड द लेडी हु वॉज एक्सप्लेनिंग ऑन द वीडियो कॉल, शी सेड जब वो इसको पैक करते हैं वो लास्ट में इसको किसी लेयर से लॉक करते हैं, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना आपको इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। लाइक यू कैन सी हल्की हल्की मिली है, बिकॉज कल मैंने इसको थोड़ा सा रगड़ा था स्वॉच करते हुए, तो वो फर्स्ट टाइम आपको इसको थोड़ा सा ना प्रेशर दे के लाइक रब करना पड़ेगा, ताकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो उतर पाए। शी एक्चुअली सेड कि आप कोई भी मस्कारा का जो वॉन्ड होता है, लाइक आपका जो दूसरा वाला वॉन्ड होता है जो क्लीन होता है, आप उससे भी इसको हल्का हल्का स्क्रेप ऑफ कर सकते हो, बिकॉज जब तक इसकी ऊपर की लेयर उतरे ही नहीं ये इतना इंटेंस आपको मिलेगा नहीं। नाउ यू कैन सी पहले और इसमें कितना डिफरेंस आया। यूज दिस पर्टिकुलर बिग फैट ब्रश फॉर माय हाइलाइटर, और मैं दोबारा प्रेशर लगा के स्वर्ल कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट अ रियली नाइस पॉपिंग गोल्ड हाइलाइटर। अभी भी ना ये इतना इंटेंस आया नहीं है,
बिकॉज उसने काफ़ी स्ट्रांगली इसको स्क्रेप किया था. बट लुक एट दिस, ओ माई गॉड, दिस इज परफेक्ट शेड फॉर इंडियन स्किन टोन. इज नॉट इवन पॉपिंग, लाइक अगर मैं मिरर में देख रही हूँ ना, इसके बिल्कुल भी वैसे चंकी वाले पार्टिकल्स नहीं है. सो इफ़ यू लाइक हाईलाइटर्स जिसके चंकी पार्टिकल्स ना हो लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा ग्लो दे आपके चीक्स के ऊपर, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. नाउ कमिंग टू द लिप्स, आई हैव टू शेड्स राइट हियर. नंबर वन इज द एफ लिप प्लम्पिंग ग्लॉस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये टू फेस्ड वाला लिप प्लम्पिंग काइंड ऑफ फॉर्मुला है इसका भी, जो आपके लिप्स को हल्का हल्का प्लम्प कर देता है. ऑल्दो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वर्क करता है फिर नहीं करता. सेकंड वन इज द एफ लिक्विड मैट लिपस्टिक, आई एम इन द शेड मार्वलस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, परफेक्ट मैच टू माई आउटफिट एंड लुक जो मैंने क्रिएट करी है. आई रियली वॉन्ट टेस्ट द लिप प्लम्पिंग पार्ट, सो इसके लिए मैं सोच रही हूँ अलग से रील बनाऊँ. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट टू सी ये एक्चुअल में लिप्स को प्लम्प करता है फिर नहीं करता, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी ग्लॉसी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑलरेडी इतना काफी हैवी हो चुका है, इसके ऊपर मैंने ग्लॉस भी यूज कर लिया ना तो एक्सट्रीम हो जाएगा. सो आई एम जस्ट यूजिंग द लिप कलर. इसके लिए डेफिनेटली मैं रील्स बनाने वाली हूँ, सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच ऑन माई हैंड्स कि कैसा लगता है, बिकॉज लिप्स के ऊपर तो कलर जो है वो थोड़ा सा अलग निकल के आता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, परफेक्ट पिंकिश न्यूड वाला कलर है इसका, बहुत प्यारा लग रहा है यार. इट एक्चुअली लुक्स नाइस एंड कॉम्प्लीमेंट्स दिस होल लुक. वेरी वेरी एक्साइटेड. काफी सॉफ्ट और बटरी है. ओवरऑल रियली लाइक इट, बहुत जल्दी ये ड्राई हो गया, बिल्कुल भी इसने टाइम नहीं लगाया, फटाफट एकदम मैट सेटल अप हो गई है. लेट्स सी कितने देर तक मैट रहती है. बाय द वे एल्फ इज क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन ब्रांड. फाइनल प्रोडक्ट जिसके बिना ये सारी लुक खराब हो जाएगी, स्पेशली गर्मियों के अंदर. सर्दियों में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, बट वैसे भी लॉक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो केकी केकी अभी फाउंडेशन हल्का हल्का हुआ हुआ है ना, आपको कैमरे पर नहीं पता चल रहा, लेकिन हल्का हल्का फाउंडेशन क्या होता है, केकी हो जाता है, मेरा हो जाता है. तो आई नीड टू सेट इट अप. सो दिस इज द एल्फ मैट मैजिक मिस्ट, मैट मैजिक मिस्ट एंड सेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड अंदर से आपको मिलती है बॉटल कुछ इस तरह से. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि ये मैट है तो मेरी स्किन टाइप पे सूट करेगी. डू दिस ट्रिक जहाँ जहाँ पर आपका फाउंडेशन थोड़ा केकी केकी हो रहा हो ना, लाइक मेरा इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा केकअप हो जाता है. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डैब वेरी वेरी लिटिल, एक्सट्रीमली प्रेशर ही लगाना, इसको रब नहीं करना, मेकअप बनना हट जाएगा. सो दिस इज हाउ द फाइनल लुक टर्न्ड आउट. आई एम रियली सॉरी माई कैमरा बैटरी डाइड, तो मैं फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट यू कैन सी राइट हियर काफ़ी अच्छी लुक निकल के आई है. काफ़ी पिंक टोन मेकअप लुक हो गया. इनिशियली मैंने सोचा था थोड़ा सा ईजी लाइट वेट रखूंगी, लेकिन आई शेडो ऑलरेडी थोड़ी सी हैवी हो गई, सो आप इसको ईजिली वेडिंग में कैरी कर सकते हो. वेडिंग गेस्ट काइंड ऑफ मेकअप लुक ये क्रिएट हो चुका है. सो आई क्विकली टेल यू वॉट आई लाइट एंड वॉट आई काइंड ऑफ लाइक ओके ओके शायद मुझे इतना मजा नहीं आया. सो द प्राइमर रियली नाइस फॉर अ वेरी हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम पोर फिलिंग इफेक्ट, लेकिन इसका बिल्कुल भी सिलिकॉनी इफेक्ट नहीं है. तो अगर आपको सिलिकॉनी काइंड ऑफ प्राइमर पसंद है आपको शायद ही नहीं पसंद आएगा, बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसने मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर का एक मिक्स काम किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी ड्राइनेस थी एंड बिल्कुल भी अब वो फील नहीं हो रही, मेरा यहाँ से मेकअप क्रैक नहीं हो रहा. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइमर. नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इज दीज बाइट साइज आई शेडो. यू कैन सी चार शेड्स आर गुड इनफ टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर आई शेडो लुक. आपको अननेसेसरी और कोई बड़ा पैलेट लेने की जरूरत नहीं है. सो द हाईलाइटर आई लाइक इट, बिल्कुल भी चंकी नहीं है. फोन के ऊपर कभी कभी मेरा हाईलाइटर चंकी लगता है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल भी चंकी नहीं लग रहा. तो उसके पार्टिकल्स काफी फाइन है, एट द सेम टाइम बहुत प्यारा एक ग्लो दे रहा है स्किन के ऊपर. लिक्विड आई शेडो इज ओकेश, मुझे इतनी वाव नहीं लगी. इनफैक्ट जो ये आई शेडो थी ना नॉर्मल वाली, इसका मुझे जो ये गोल्डन शेड था ये ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर लिक्विड आई शेडो. सो नॉट अ रियली ह्यूज फैन ऑफ दिस. कमिंग टू आईब्रो, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. मेरे बाल काले हैं, मेरी आईब्रोज भी काली है, लेकिन इसके अंदर इतनी ब्लैक नहीं दिख रही बिकॉज द शेड इज ब्रोनेट एंड ये मेरा शेड नहीं है. तो मेरी आईब्रोज ना बड़ी ऑफ लग रही है, इसके अंदर हल्की सी ओल्डी वाइब्स दे रही हैं, ये मेरा शेड नहीं है. तो लिक्विड लाइनर आई लाइक इट. इसकी जो टिप है, ब्रश टिप काफी थिन है, तो आप इजिली एकदम शार्प विंग क्रिएट कर सकते हो. बट द थिंग इज इट इज नॉट वेरी इंटेंस, तो आपको एक दो बार जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए अपनी आईज के ऊपर. मस्कारा रियली नाइस फॉर डेली यूज. इट्स इज वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा समथिंग, लेंथ एंड वॉल्यूम, बट आई पर्सनली फील लाइक वॉल्यूम नहीं आई है लेकिन लेंथ ही आई है. और ये बिल्कुल भी क्लंप नहीं हुआ मेरे आईज के ऊपर, लाइक लैशेज एक दूसरे में गंदी तरह चिपकी नहीं है, हैवी हैवी नहीं फील हो रही. इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड ये वाटर प्रूफ भी है, तो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो. अगर आप कोई ऑन द गो मेकअप कर रहे हो ना, जिसके अंदर आपको अलग से हाईलाइटर ऑन नहीं लगाना, देन इट इज रियली नाइस, बिकॉज इसके जो शिमरी पार्टिकल है ना वो हाईलाइटर का भी काम कर देते हैं. लास्ट वी हैव द लिप शेड एंड द सेटिंग स्प्रे. आई रियली लाइक द फैक्ट की जो स्प्रे है वो मैट है, लेकिन इससे मेरी स्किन को मैट नहीं बनाया. यू कैन सी द ग्लॉसी इफेक्ट इज स्टिल देयर. कुछ कुछ जो मैट स्प्रेज होते हैं वो एकदम फेस को आई शेडो को भी मैट बना देते हैं, लेकिन
इसने वो नहीं किया, सो रियली लाइक इट. काफ़ी जल्दी सेट भी हो गया था एंड बिल्कुल ही मुझे ट्रांसफरिंग एज सच फील नहीं हो रही, तो मेरा मेकअप काफ़ी अच्छे से लॉक्ड है. कमिंग टू द शेड, ये मैट है एंड मेरे पर्सनली जो लिप्स है ना वो बहुत जल्दी चैप हो जाते हैं, तो मुझे अब हल्का हल्का ड्राई फील हो रहा है लिप्स के ऊपर, तो मुझे लिप बाम लगाना पड़ेगा. आई वोंट कॉल इट वेरी कंफर्टेबल मॉइस्चराइजिंग मैट फॉर्मुला, नॉट मॉइस्चराइजिंग मैट तो होता नहीं है, लेकिन ये एकदम कंफर्टेबल वाला मैट फॉर्मुला नहीं है. सो दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन एल्फ कॉस्मेटिक्स, 100% ऑनेस्ट एंड नॉट एट ऑल बायस, या फिर कोई भी स्पॉन्सर नहीं है. पी आर में आया था तो मैंने आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया इसके बारे में. सो नाउ यू कैन गो अहेड एंड थिंक कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये लुक पसंद आई हो, अगर आप रिक्रिएट करो कभी इन फ्यूचर में, डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. जो ये प्लम्प वाला लिप ग्लॉस है ना वो डेफिनेटली मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करने वाली हूँ, सो प्लीज़ वहाँ जाके मुझे फॉलो कर देना. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर माय वीडियोस अपलोडेड. डू चेक आउट माय अदर वीडियोस एज वेल, आई टॉक अ लॉट अबाउट एक्ने, स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन, शॉपिंग हॉल्स. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.